शुरुआत बड़े अपडेट के साथ। जबलपुर ब्लैकमेलिंग कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। छात्राओं के अश्लील वीडियो बनाने में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया। अश्लील वीडियो में छात्राओं का चेहरा लगाया गया, चेहरा लगाकर छात्राओं से ब्लैकमेलिंग की गई। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उनसे पैसों की डिमांड की गई। बदनामी का डर दिखाकर छात्राओं ने ब्लैकमेलर को पैसे भी दिए। ब्लैकमेलर ने बदनामी का डर दिखाया और छात्राओं ने पैसे भी दिए। मेरे पास 3 से 4 दिन पहले मैसेज वो कॉल आया था और मैसेज आया था, तो उसने पहले मैसेज किया कि आप कैसी हो, तो मैंने बोला आप कौन हो, तो उसने फिर गंदे मैसेज और वीडियोस भेजा। फिर उसके दूसरे नंबर से कॉल आया कि मैं ऐसा ही विक्रम गोस्वामी गोरखपुर थाने से बोल रहा हूँ, आपके खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर हुई है, आपका एक न्यूड वीडियो में फेस दिख रहा है, तो अगर आपको कंप्लेंट हटवानी है तो आप मुझे 5,000 रुपये भेज दो। एक या दो लड़कियों के पास नहीं, कम से कम 60 से 70 लड़कियों के पास कॉल और मैसेज आए, 5-6 लड़कियों के फ़ोन भी हैक हुए हैं और कई लड़कियों ने तो पैसे भी भेज दिए थे डर के कारण। ग्रुप था हमारा, तो वो उसमें हमारे सबके नंबर थे फर्स्ट ईयर के, तो अब हम लोग सेकेंड ईयर में हुए, तो वो पहले वाले ग्रुप से हम लोग के नंबर निकाल निकाल कर पर्सनली सबको मैसेज कर रहा था। और जबलपुर में अश्लील वीडियो कांड में NSUI और ABVP का कार्यकर्ता SP ऑफिस पहुंचे, कार्रवाई को लेकर ज्ञापन सौंपा। दोनों छात्र संगठनों ने छात्राओं के साथ हुई वारदात को लेकर नाराजगी जताई और कड़ी कार्रवाई की मांग की। तो SP ऑफिस पहुंचे हैं। कल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आप सभी के संज्ञान में एक मामला प्रकाश में लाया था कि मानकुवर बाई महिला महाविद्यालय, जो कि जबलपुर का एक लीडिंग कैंपस है, गर्ल्स कैंपस है, वहां पे 70 से 80 छात्राओं का नंबर वायरल किया गया और उनके नंबर पर ब्लैकमेलिंग कॉल्स और वीडियो कॉल्स आ रहे हैं, जो खुद को गोरखपुर थाने का एक पुलिस वाला बता रहा है और वो यह बोल रहा है कि पैसों की मांग कर रहा है, अश्लील उनकी फोटो, फर्जी वीडियो फोटो बनाकर उनको। बड़ा विषय यह है कि कॉलेज प्रशासन की वो जब ये विषय पता था, उनने किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करी और गंभीरता से इस विषय को नहीं लिया। पुलिस प्रशासन की लापरवाही को देखते हुए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समस्त कार्यकर्ता यहाँ पर SP कार्यालय घेराव करने आए हैं और दोषी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग करी है हम। और AI का इस्तेमाल कर छात्राओं का चेहरा लगाया जाता है, अश्लील फोटो बनाई जाती है और फिर छात्राओं को धमकाया जाता है कि आप 10,000, 15,000, 20,000 रुपए दीजिए, नहीं तो ये फोटो हम वायरल कर देंगे। देखिए, थाना मदन महल के प्रकरण में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में जो पूछताछ हुई है उसमें बच्चे हैं उनको व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड किया गया और उनको ये कहा गया कि आपके द्वारा इस तरह का अश्लील मैसेज या वीडियो जो है आपके द्वारा ग्रुप से सेंड किया गया है और ये बता के कि मैं थाने से बोल रहा हूँ, मैं पुलिस से बोल रहा हूँ और आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। ये डराकर उनसे पैसे जो है वसूलने का प्रयास किया गया, जिसमें अभी तक 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक जो सूचना है उन्होंने बताया है। हम ये एक साइबर फ्रॉड का केस है जिसपे हमारी टीम वर्क कर रही है और आरोपियों को आइडेंटिफाई करके जल्दी उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। सहयोगी पवन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पवन के पास हम आपको लिए चलते हैं। पवन, क्या कुछ अपडेट? अब AI के इस्तेमाल की बात भी सामने आ गई। पवन, बिल्कुल, आज जो अपडेट है वो यही है कि AI का इस्तेमाल करके और वीडियो मॉर्फ किए गए हैं जिसमें छात्राओं के चेहरे जोड़े गए हैं अश्लील वीडियो में और फिर उन्हें छात्राओं को व्हाट्सएप पर भेजकर उन्हें ब्लैकमेल किया गया, उन्हें डराया धमकाया गया। कल भी हमने ये जिक्र किया था कि इस पूरे कांड में AI का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल अभी जो जानकारी सामने आई है, जो ABVP के पदाधिकारी ने बताया कि AI का इस्तेमाल हुआ है, हालांकि पुलिस इस बात को स्वीकार नहीं कर रही है। पुलिस का कहना है कि हमारे पास ऐसे कोई भी तथ्य अभी सामने नहीं आए, लेकिन हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं। आज जबलपुर में SP ऑफिस में ABVP के साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पहुंचे थे, नेता भी पहुंचे थे, जिन्होंने प्रदर्शन करके पुलिस पर दबाव बनाने का प्रयास किया है। पुलिस से मांग की है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए, साइबर सेल के साथ साथ इंटेलिजेंस की भी मदद ली जाए और आरोपी को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। 70 से 80 छात्राओं के साथ में इस तरह की वारदात होने की जानकारी सामने आ रही है, जो कहा जा रहा है, लेकिन कोई भी पीड़ित छात्रा अभी तक सामने नहीं आई है, यानी समझा जा सकता है कहीं ना कहीं उनमें डर का माहौल है। लेकिन पुलिस ने जांच शुरू कर दी है,
एबीवीपी एनएसयूआई ने पुलिस पर यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने लापरवाही बरती है और यदि पुलिस पहले से संज्ञान लेती तो शायद ये संख्या कम हो सकती थी। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही भी सामने आई है। करीब एक महीने पहले एक छात्रा ने इसकी शिकायत प्रिंसिपल से की थी, मैनेजमेंट से की थी, लेकिन उन्होंने यह कहकर उन्हें रोक दिया कि यह तुम्हारा पर्सनल मैटर है, नंबर ब्लॉक कर दो और इसे अपने तक ही सीमित रखो। यदि उस समय भी कॉलेज मैनेजमेंट यदि इसमें संज्ञान लेता तो शायद आरोपी अब तक पकड़ा जा चुका होता, इस पूरे मामले का खुलासा हो जाता और इतनी बड़ी घटना होने से भी रोका जा सकता था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका पवन इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए, और आगे भी पवन के जरिए जो भी अपडेट होगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। इधर रायपुर में लॉ स्टूडेंट से दुष्कर्म की वारदात सामने आई है, एक पुलिस जवान पर ही दुष्कर्म का आरोप लगा है। ये जो आरोपी है ये इस छात्रा का परिचित है, नशीला पदार्थ खिलाकर युवती से दुष्कर्म किया गया है। आरोपी ने अपनी कार में ही इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया, इस तरह की बात शुरुआती तौर पर आई है। और आरोपी दोनों एक दूसरे को लगभग 2 महीने से जानना बताते हैं और परसों शाम रात को लेट नाइट में लड़की द्वारा उससे फ़ोन में बात बात करके कहीं घूमने निकले थे, रात में घूमे कार में आरोपी के कार से घूमना और उसके बाद उनमें कुछ आपस में विवाद होना, फिर सवेरे थाना तक आए थे और स्वतः जो है वो चले गए वापस और लड़की के घर छोड़ा आरोपी और वहाँ पर फिर उनके बीच में दुष्कर्म करना बताते हुए वो कल दोपहर में उसने शिकायत दर्ज करवाया जिस पर से FIR लिया गया है। आरोपी युवक को हिरासत में लिया गया है, मेडिकल वगैरह करवाने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस एकेडमी के एक जवान ने लॉ स्टूडेंट के साथ दुष्कर्म किया है, माना थाने में इसकी शिकायत की गई है और उसके बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में, उस जवान को हिरासत में ले लिया है। इससे पहले जो दोनों एक दूसरे के परिचित थे और जिसकी दुष्कर्म की शिकायत है पीड़िता ने माना थाने में आके की है, उसके बाद पुलिस अब उसे युवक को, उस जवान को हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है और ये भी बताया जा रहा है कि कार में दोनों एक दूसरे गए हुए थे और कार में ही जो जवान है उसने हवस का शिकार बनाया है। अब पूरे मामले की जांच फिलहाल माना पुलिस कर रही है। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। इधर रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती 12 साल की बच्ची के साथ रेप की कोशिश का मामला सामने आया है। बच्ची अस्पताल के ENT विभाग में भर्ती है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त बच्ची सो रही थी उस वक्त दूसरे मरीज का अटेंडर बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने लगा, बच्ची के साथ इसने रेप की कोशिश की। इस दौरान बच्ची के पिता की नजर युवक पर पड़ी, उन्होंने युवक को पकड़ लिया। बच्ची के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और इस वक्त CM विष्णुदेव साय संबोधित कर रहे हैं, सुनाते हैं आपको। के 35 जिला है पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में, तो 35 के 35 जिला में कहीं हमारे मंत्री मन, कहीं हमारे सांसद, हमारे कहीं विधायक, कहीं हमारे संगठन के बड़े नेता मन जाके ये सदस्यता अभियान के शुभारंभ करी नहीं। और आज पूरे प्रदेश में बूथ स्तर में इस सदस्यता अभियान हम शुभारंभ करा था और आज मोर सौभाग्य कि आज आप मन के बीच में ये नेताजी सुभाष चंद्र वार्ड में मैं आए हूँ। बूथ क्रमांक 94-95 के हमार यहाँ सदस्यता अभियान शुरू करे बार और आप बहुत बहुत बधाई और शुभकामना है। ये सदस्यता अभियान 2 महीना तक चलने वाला है और एक लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है। एक पूरा रूपरेखा बनी से प्रदेश स्तर से लेकर जिला मंडल बूथ तक जिम्मेदारी दिए गई से और 50 लाख के हमारे टारगेट है। छत्तीसगढ़ के टारगेट 50 लाख एला हमला पूरा करना है और ये जो ना जिम्मेदारी मिली से वोला तो करना ही है। लेकिन प्रत्येक कार्यकर्ता मन ला भी, हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता ला भी प्रयास करके
लक्ष्य लाख हासिल करना है। और आप सबला मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ये सिद्धांतवादी पार्टी है, विचारधारा के पार्टी है, कार्यकर्ता उनके पार्टी है। खबर भोपाल से, नशीली कफ सिरप की तस्करी पर राजनीति हो रही है। सतना में कफ सिरप तस्करी मामले में कांग्रेस ने तस्कर को मंत्री का रिश्तेदार बता दिया। मंत्री को सरकार से तुरंत बर्खास्त करने की मांग की गई और कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया कि फोटो खिंचवा लेने से कोई रिश्तेदार नहीं बन जाता। कफ सिरप तस्करी का यह मामला सतना का, आरोपी एक मंत्री का रिश्तेदार प्रतिमा बागरी, अब बात निकल कर आ रही है कि फोटो खिंचवा लेने से कोई रिश्तेदार नहीं बन जाता, ये फोटो आई है। शुरुआत में हालांकि इस तरह की जानकारियां आई कि वे इनके बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, कई करोड़ का ट्रांजैक्शन इनके पास मिला है। का दामाद यानी कि छोटी बहन के पति अगर प्रतिबंधित दवाएं जो युवाओं को नशे की ओर धकेल रही हैं, ऐसी दवाओं की तस्करी कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं इससे गंभीर और गंदी बात कुछ नहीं हो सकती है। और डॉक्टर मोहन यादव जी, आपकी सरकार में अगर जरा भी इकबाल हो तो एक निर्णय लीजिए और राज्य मंत्री को तुरंत बर्खास्त कीजिए। कांग्रेस के नेता लगातार गैर जिम्मेदारीपूर्ण बर्ताव कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, इस तरह की राजनीति नहीं करना चाहिए। मंत्री जी सार्वजनिक क्षेत्र में काम करती हैं, लगातार लोग उनके साथ मिलते रहते हैं, फोटो आती हैं, उससे रिश्तेदार नहीं बन जाते हैं, ये कांग्रेस पार्टी को समझना पड़ेगा। ना मंत्री जी के रिश्तेदार हैं, ना पार्टी का कोई कार्यकर्ता है, और मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की नीति है अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की, जो भी अपराधी है उस पर सख्त कार्यवाही की जा रही है। इधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में बदलाव को लेकर बड़ा अपडेट मिल रहा है। रायपुर शहर और रायपुर ग्रामीण में बदलाव हो सकता है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए दावेदारों की लंबी कतार है। श्री कुमार मेनन, सुबोध हरितवाल के नाम पर चर्चा चल रही है। विनोद तिवारी, कन्हैया अग्रवाल, सतनाम पनाग ये भी कतार में शामिल है। वरिष्ठ नेताओं के बीच एक नाम पर सहमति बनाने की कोशिश हो रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज वरिष्ठ नेताओं से इसे लेकर लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। इंदौर में एक महिला सूबेदार ने खुदकुशी कर ली। महिला सूबेदार की खुदकुशी से पहले का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो अधिकारियों की सोसाइटी के भीतर जाती नजर आती हैं। G4 टावर के टॉप फ्लोर से कूदकर वो जान दे देती हैं। जिस अपार्टमेंट में इन्होंने खुदकुशी की है उसमें 3 DCP ADCP रहते हैं। महिला सूबेदार की खुदकुशी की वजह का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। ये उस जगह की तस्वीरें हैं जब वो इस अपार्टमेंट में दाखिल हो रही होती हैं, जहां 3 ACP लेवल के अधिकारी हैं, 3 DCP लेवल के, 1 ADCP लेवल का अधिकारी है। वो जो गार्ड गेट होता है उसकी तरफ भी देती हैं, गार्ड की तरफ, और फिर तेजी से ऊपर जाती हैं। उसके बाद उनकी खुदकुशी की खबर आती है। पति टीचर है, उसका कहना है कि सुबह इन्होंने कहा कि बच्चों का ख्याल रखना, मैं जा रही हूं, और उसके बाद खुदकुशी की खबर आती है। यूपी के बहराइच के बाद मध्य प्रदेश के खंडवा में भी भेड़िए का आतंक देखने को मिला। यहां मलगांव में आधी रात के बाद भेड़िए ने 5 लोगों पर हमला बोल दिया। आधी रात के बाद हुए हमले के बाद लोगों ने भेड़िए को पकड़ लिया। वहीं हमले में घायल लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। इधर मुरैना में व्यापारी से 8.5 लाख रुपए की लूट हुई है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने व्यापारी को लूट लिया। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है। व्यापारी से मारपीट की गई, रुपयों से भरा बैग लूटकर ये सभी फरार हो गए। पराग ऑयल मिल के सामने
ये पूरी घटना सामने आई है, पूरी लूट की घटना सामने आई है। कोतवाली थाना क्षेत्र में व्यापारी से लूटपाट की ये तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। बाइक सवार बदमाश आते हैं, टक्कर मारते हैं, व्यापारी अपने वाहन समेत गिर जाता है और फिर जो बैग है उसे छीन कर ये फरार हो जाते हैं। इस पूरी घटना का हालांकि व्यापारी पकड़ने की कोशिश भी कर रहा है लेकिन तब तक ये भाग जाते हैं। और बलौदाबाजार में बदमाश बेखौफ हैं। बाइक सवार बदमाशों ने देवरीडीह तिराहे के पास बंदूक की नोक पर ज्वेलर्स के साथ लूटपाट की। बदमाश 4 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। इन्होंने हवाई फायर भी किए। दुकानदार अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा था उसी दौरान ये घटना अंजाम दी गई, लूट अंजाम दी गई, घटना कारित की गई। इधर अंबिकापुर में 3 महीने से लापता मजदूर की लाश मिली है। जमीन में तकरीबन 15 फीट नीचे लाश को दफन किया गया था। नल जल योजना की पानी टंकी के नीचे लाश मिली है। बेलजोरा गांव से 7 जून को ये लापता हुआ था। कमलेश्वर थाने के लोरैना गांव का ये पूरा मामला है। पेंड्रा में एक बुजुर्ग महिला ने अनोखे अंदाज में थाने में शिकायत की। महिला कटे पेड़ की डाल लेकर, शाखा लेकर थाने पहुंच गई। महिला ने कहा कि बाहर से गांव में कब्जा करने रहने वाले लोगों ने मेरा पेड़ काट दिया है। महिला ने बताया कि 12 साल से इस पेड़ को मैंने एक बच्चे की तरह पाला और अब जब ये घटना हुई तो ये डाल लेकर महिला थाने पहुँच गई। काफी देर तक वो यहाँ घूम रही थी। ए मोर पेड़ पौधा काट दे तेखर जानकारी दे लाए हूं। ए मऊहा पेड़ काट दहीस, सगली बांस ला काट दहीस। कौन काटे? ए नथुक बेटा। कौन ला कहा? वही जाके काटे है। हमार घर दूरा रोड टाटा है, देखिया कि सही आए कि लबारी आए। तुम्हू देख ली है भाई जाके? बाड़ी में लगाए रहा कि कहां? बाड़ी में लगा रहे हैं। बेंगलुरु में ऑटो ड्राइवर ने 2 लड़कियों के साथ बदसलूकी की। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। दरअसल लड़कियों ने ऑटो बुक किया था लेकिन बाद में राइड कैंसिल कर दी गई। इसकी वजह से ऑटो चालक गुस्से में आ गया और इतना गुस्से में आया कि उसने थप्पड़ मार दिया। आप चिल्लाइए मत और गाली मत दीजिए, ठीक है? ये फालतू चीज़ें मत बोलिए मुझे। आपका फोन नंबर है, आपका गाड़ी नंबर है, हम कंप्लेंट कर देंगे, हम कंप्लेंट कर देंगे। थप्पड़ क्यों मारा मुझे? आज क्या स्टेशन मारा मुझे? स्टेशन स्टेशन सड़क पर हंगामा मचा हुआ है। एक ऑटो ड्राइवर बुरी तरह आग बबूला है। गलती से कैसा होता है? गलती? आप चिल्ला क्यों रहे हो? नहीं, गलती कैसे होता है? आपका फोन नंबर है, आपका वो ऑटो पर बैठी लड़कियों से बदसलूकी पर उतर आया। हाईटेक सिटी बेंगलुरु से ये हैरान करने वाली घटना सामने आई जहां एक ऑटो ड्राइवर ने 2 लड़कियों से अभद्रता कर दी। क्या हो गया तो कर दिया? आप कैंसिल नहीं करते कभी हम लोग का राइड? आप लोग नहीं करते? मैं क्या किया? कैंसिल किया है ना? तो हमारी क्या गलती हो गया? दो तो और क्या हो गया? रुक, आज चल पुलिस स्टेशन को। मैं क्यों जाऊँ? मेरी मर्जी, मेरे को जाना होगा मैं जाऊंगी, मेरे को नहीं जाना होगा नहीं जाऊंगी। मैं अलग पुलिस स्टेशन जाऊंगी, मैं आपके साथ क्यों जाऊँ? आपका फोन नंबर है, आपका गाड़ी नंबर है, हम कंप्लेंट कर देंगे। दरअसल 2 लड़कियों ने ऑटो बुक किया था लेकिन बाद में उन्होंने किसी वजह से राइड को कैंसिल कर दिया। जिस जगह पर ऑटो चालक को बुलाया गया था वो वहां पहुंच गया। लड़कियां दूसरी ऑटो में बैठ गई थी। इसके बाद तो उसने अपना आपा पूरी तरह खो दिया। राइड कैंसिल होने पर ऑटो ड्राइवर बुरी तरह भड़क गया। वो दूसरे ऑटो में बैठी लड़कियों से झगड़ा करने लगा, उन पर जोर से चिल्लाने लगा। लड़कियों ने उससे पुलिस में शिकायत करने की बात कही तो ऑटो ड्राइवर ज्यादा आक्रोश में भर गया। इसके बाद तो वो लड़की से फोन भी छीनने लगा। आरोप है कि इस दौरान लड़की को थप्पड़ भी लग गया। कंप्लेंट कर देंगे।
गलती से कैसा होता है गलती? आप चिल्ला क्यों रहे हो? नहीं गलती कैसे होता है बोलो, आप चिल्ला क्यों रहे हो? तेरे बाप देते हैं क्या गैस? यहीं पे था भैया, 1 मिनट दूरी था आपका ऑटो। आप चिल्लाइए मत और गाली मत दीजिए, ठीक है? ये फालतू की बात बोलिए मुझे। और क्या करती है? मैं पुलिस के पास जाऊंगी। आ जाओ, चल पुलिस के पास चल। बात संभलने की जगह बिगड़ती चली गई। वहां पर मौजूद लोग भी उसे समझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसके ऊपर तो असर ही नहीं हुआ। बाद में लड़की ने उससे थप्पड़ मारने की वजह भी पूछी, लेकिन उसका पारा सातवें आसमान पर था। ठीक है, ये फालतू की बात बोलिए मुझे। गलती से कैसा होता है गलती? आप चिल्ला क्यों रहे हो? नहीं गलती कैसे होता है बोलो, आप चिल्ला क्यों रहे हो? तेरे बाप देते हैं क्या गैस? यहीं पे था भैया, 1 मिनट दूरी था आपका ऑटो। आप चिल्लाइए मत और गाली मत दीजिए, ठीक है? ये फालतू की बात बोलिए मुझे। और क्या करती है? मैं पुलिस के पास जाऊंगी। आ जाओ चल पुलिस के पास चल। क्या हो गया? तो कर दिया, आप कैंसिल नहीं करते कभी हम लोग का राइड? आप लोग नहीं करते कैंसिल किया है ना, तो हमारी क्या गलती हो गया? दो तो और क्या हो गया? रुक आज चल पुलिस स्टेशन को। मैं क्यों जाऊँ? मेरी मर्जी, मेरे को जाना होगा मैं जाऊंगी, मेरे को नहीं जाना होगा नहीं जाऊंगी। मैं अलग पुलिस स्टेशन जाऊंगी, मैं आपके साथ क्यों जाऊँ? आ जाओ, आपका फोन नंबर है, आपका गाड़ी नंबर है, हम कंप्लेंट कर देंगे। थप्पड़ क्यों मारा मुझे? आपका फोन नंबर है, आपका गाड़ी नंबर है। इस दौरान घटना का वीडियो लड़की की दोस्त ने बना लिया। बाद में लड़की ने सोशल मीडिया पर ऑनलाइन ऐप को टैग करते हुए इस घटना की शिकायत की और वो वीडियो भी पोस्ट कर दिया। कहा सुनी और बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए ऑटो चालक आर मुथुराज को अरेस्ट कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। और कांग्रेस में शामिल हुई विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया ने भी कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। इससे पहले इस तरह की जानकारी आने लगी थी, जैसे ही राहुल गांधी के साथ इन दोनों का फोटो आया, ये तय लगभग तय माना जा रहा था कि विनेश फोगाट चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से नजर आ सकती हैं। और अब आखिरकार ये बड़ा अपडेट कि विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया दोनों ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। ओलंपियन विनेश फोगाट ने भारतीय रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दिया और लिखा, भारतीय रेलवे की सेवा मेरे जीवन का एक यादगार और गौरवपूर्ण समय रहा। हरियाणा विनेश जी, हेलिंग अ फैमिली फ्रॉम ब्रसेल्स, व्हेन शी वाज 9 इयर्स ओल्ड हर फादर वाज शॉट डेड इन फ्रंट ऑफ द हाउस ऑफ अ रिलेटिव। तो इस तरह की बातें आई कि वो मैदान में नजर आ सकती हैं, बजरंग पुनिया सपोर्ट करेंगे, ये बातें अभी कही जा रही हैं। 3 ऑप्शन विनेश फोगाट को दिए गए, 3 सीटें ऐसी हैं जहां से उनको चुनाव लड़ने के ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन अभी इसको पुष्ट तौर पर नहीं कहा जा रहा। कांग्रेस में आखिरकार शामिल हुई विनेश फोगाट। इधर बालाघाट में 14 लाख की इनामी महिला नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम है साजंती, उम्र है तकरीबन 32 साल। मुठभेड़ के दौरान हॉक फोर्स ने इसे गिरफ्तार किया है। एक पिस्टल मैगजीन बरामद हुई है। बैहर थाने के कान्हा नेशनल पार्क में परसा टोला के जंगल से इसे गिरफ्तार किया गया है। मोस्ट वॉन्टेड लिस्ट में ये थी 14 लाख की इनामी साजंती। लालबाग के राजा भव्य पंडाल में विराज चुके हैं, उनके मस्तक पर सोने का आकर्षक मुकुट सजा है। रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से 20 किलो सोने का मुकुट चढ़ाया गया और इसकी कीमत 16 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गणेश उत्सव के मौके पर मुंबई में लालबाग के राजा का भव्य स्वागत हो गया है। अपने भक्तों पर कृपा बरसाने के लिए गणपति ने दर्शन दे दिए हैं,
जयकारे के बीच गणपति बप्पा ने अपनी झलक दिखाई। 20 किलो का सोने का मुकुट उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रहा है, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लालबाग के राजा को रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से 20 किलो का सोने का मुकुट चढ़ाया गया है, जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए बताई जा रही है। लालबाग के राजा का स्वरूप देखते ही बन रहा है। इस बेहद खास मुकुट में हीरे और कीमती रत्न भी जड़े हुए हैं। एक बहुत ही आकर्षक और लुभावनी ऐसी मूर्ति जो इस बार दिखाई दे रही है। खास वैशिष्ट तो है, राजमुकुट है। क्या राजमुकुट की बात है? लालबाग का राजा का ये 91 साल है और अभी हर माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के द्वारा मुंबई एवं महाराष्ट्र एवं देश भर, हिंदुस्तान, जगभर में लालबाग के राजा आज पहुंच चुके हैं। और जो आप मुकुट देख रहे हैं लालबाग का राजा, वो 20 किलो सोने का मुकुट है और बहुत अच्छा बन गया है। आप बिलीव नहीं कर सकते, वो 6 फीट का घेर है खाली, तो वो बनाने को भी 4 कम से कम महीना कोशिश कर रहे थे सब लोग। और हमें कार्यकर्ता लोग को आनंद है कि वो अच्छी तरीके से वहाँ राजा के सुवर्ण अलंकार में बहुत बढ़िया हो चुका है। और लालबाग के राजा का जो रूप था और भी लुभावना हो चुका है, आकर्षण है, वो राजमुकुट है। तो राजमुकुट की और क्या खास बात पता पाएंगे? कितने करोड़ का है, कितना सोना इसमें लगा है और किसके यहाँ से अर्पण किया? ये रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से यहाँ अर्पण किया गया है। इसमें 20 किलो सोना एवं मीना काम पाचू यहाँ बिठाए गए हैं और 15 करोड़ कम से कम इसकी कीमत है। और लालबाग के राजा के सुवर्ण अलंकार में और भी खूबसूरत राजा आज जगभर में दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा ये सब लालबाग के राजा के इसमें आकर्षण है। तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा हुआ है ये साल में। लालबाग के राजा का भव्य दरबार सजा है। हर साल गणेश जी की प्रतिमा का डिजाइन बदल जाता है। अगले 10 दिनों तक यहां भक्तों की भारी भीड़ जुटने वाली है। बप्पा के आने का उनके भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।